किशनगंज जिलाधिकारी विशाल राज ने दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। जिले के सभी प्रखंड के दर्जनों दिव्यांगजनों को डीएम ने लोकोमोटर यानी बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की चाबी सौंपी है, जिसे पाकर सभी लाभुक बेहद खुश नजर आए। अब ये लोग चमचमाती सड़कों पर दूसरों की तरह फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो हमारे 42 दिव्यांगजन है, सभी को किशनगंज सदर प्रखंड के बुनियाद केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत 42 लोगों में फ्री में ट्राईसाइकिल वितरित की गई है, जिनमें बहादुरगंज और दिगल बैंक के 6-6 लाभुक, कोचाधामन और टेढ़ागाछ प्रखंड के 9-9 लाभुक, ठाकुरगंज के 7 और किशनगंज के 5 लाभार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत जिले में अब तक 144 लोगों को लाभ मिल चुका है। हम लोग बता रहे हैं कि कुछ ही आवेदन ऐसे बचे हुए हैं जिनको ट्राईसाइकिल के लिए आया हुआ है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोगों की जानकारी में कुछ ऐसे हम लोगों के पाप लाभुक हैं जिनको बैटरी चालित ट्राईसाइकिल इनको मिल सकता है लेकिन अभी तक आवेदन नहीं दिए हैं, तो आप लोग भी उनको जानकारी में दें और इससे निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और इसको हम लोग मतलब कि जो आप लोगों का लाइफ स्टाइल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं अनुरोध करूँगा बाकी लोगों से आप अपील करें और उनको भी सजग करें इस सरकार की इस योजना। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल राज ने सभी लाभुकों को बधाई देते हुए कहा कि अगर वे किसी अन्य दिव्यांग को जानते हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें तुरंत इसकी जानकारी दें ताकि आवेदन मिलते ही 1 माह के अंदर निशुल्क बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सीएम निशक्त जन योजना विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की भी जानकारी दी गई। सरकार की हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकें और यहाँ पर बैटरी चालित रिक्शा भी वितरण किया गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चश्मा वितरण भी किया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का। उन लोगों के साथ जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन हम लोगों का होगा उतना ज़्यादा हम इसकी समस्याओं को समझ पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम इन लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। सर, इस योजना के बारे में लोगों को कम जानकारी है, लोक संबल योजना के बारे में कैसे भरपूर? निश्चित रूप से वहीं पर तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा भूमिका हो जाता है। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, लगातार हम लोग ऐसी विज्ञप्ति भी जारी करते रहते हैं और मैं यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजनाओं के माध्यम से इसमें जोड़ पाए। इस प्रोग्राम को इतने बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी हम लोगों का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो पाए। सर, ये रिक्शा के लिए कोई किसी तरह का रुपया लगता है क्या? नहीं, रुपया नहीं लगता है इसमें, केवल अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के उपरांत उसकी पात्रता देखी जाती है कि क्या वो उसके मतलब उसमें 60% दिव्यांगता भी होनी चाहिए प्लस उसको इस्तेमाल भी करने के लिए पात्रता होती है कि वो रोजगार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सारी पात्रताएं देखी जाती है, इन सभी पात्रताओं को देख के उनको स्वीकृत किया जाता है और स्वीकृत करने के 15 से 10 दिनों के अंदर उनको उसको वहां से एलिम्को से मंगवा के रिक्शा उनको बांट। इस कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी, जिला बुनियाद केंद्र की प्रबंधक नूरी बेगम, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तकनीकी सहायक अजय कुमार सहित अन्य कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।